हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं जिसमें कपास, गन्ना, रबर, कॉफ़ी, चाय, नारियल। इन व्यापारिक फसलों में कपास के बारे में कल अपन ने अध्ययन किया था। गन्ना है, गन्ने की फसल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो गन्ना की जो जन्म स्थिति स्थली बताई है वो भारत में बताई है, यानी गन्ना है वो भारत की ही उपज है और आज भी विश्व के अंदर सर्वाधिक गन्ना, विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन है वो भारत करता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का उत्पादन भारत करता है, हालांकि चीनी भारत सर्वाधिक उत्पादन नहीं करता है। तो गुड़ और यानी कि चीनी बनाने के लिए गन्ने का उपयोग किया जाता है। जो व्यापार यानी कि कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है, गन्ना है। और ये गन्ना ऐसी फसल है कि ये भार हाश वाली फसल है और इसको गन्ने को काटने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर पिराई मशीन मिल तक ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो इनका वेट है वो लॉस हो जाता है। तो इनकी जन्म स्थिति स्थली बताई है वो भारत में है और भारत आज भी विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। भौगोलिक दशाएं देखें तो भौगोलिक दशाओं में गन्ना एक अहनवर्तीय पौधा है। अहनवर्तीय का मतलब क्या होता है कि विषुवत रेखा है और इससे उत्तर के अंदर 23.5 डिग्री कर्क यानी कि उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जलवायु है उसको क्या कहते हैं, अयनवर्तीय। तो गन्ना है वो इसी यानी कि भारत के अंदर बातरीहूति गोलार्ध पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा गन्ने की कृषि कहाँ होती है, 8 डिग्री से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, 8 डिग्री से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य गन्ने की कृषि होती है भारत के अंदर। अब इसमें यदि तापमान देखें तो तापमान 20 से 30 डिग्री आवश्यकता होती है और लंबे समय तक अधिक तापमान गन्ने के अंदर क्या भरते हैं, मिठास। इसमें तापमान की आवश्यकता है वो 20 से 30 डिग्री रहती है, लेकिन अधिक यानी कि धूप है वो गन्ने में मिठास भरते हैं, इसीलिए ज़्यादा धूप है वो गन्ने की फसल के लिए अनुकूलन मानी जाती है। वर्षा इसमें 100 से 2 सेमी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और जीवांश के युक्त मृदा की आवश्यकता होती है, यानी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन और यानी जीवांश की मात्रा होनी ज़रूरी है। इसके अलावा गन्ने के लिए कुछ खाद है, जैसे गोबर खाद है या कंपोस्ट खाद है या जैविक खाद है, रासायनिक खाद है, उनकी भी आवश्यकता होती है। जैसे गन्ने के अंदर हरी खाद है या कंपोस्ट या जैविक खाद है, इसके साथ साथ रासायनिक खाद का उपयोग भी इसमें किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें गोबर, हरी खाद या कंपोस्ट, जैविक खाद का उपयोग होता रहता है। आजकल उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने के अंदर रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। समुद्री तटीय जो जलवायु होता है, समुद्री तटीय जलवायु है ये गन्ने की फसल के लिए सबसे अनुकूलन माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से, इस नमी की वजह से गन्ने के अंदर मिठास की मात्रा अधिक आती है और
मिठास की मात्रा अधिक होने की वजह से गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है वो चीनी अधिक मात्रा में बनती है। विश्व के अंदर एक देश है जैसे क्यूबा, क्यूबा क्यूबा देश है, क्यूबा दुनिया का सबसे उच्च क्वालिटी वाला गन्ने का उत्पादन करता है। क्यूबा दुनिया का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गन्ने का उत्पादन करता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गन्ने का उत्पादन है वो क्यूबा देश करता है। उसका कारण क्या है कि क्यूबा एक कैरिबियन देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, चारों ओर से समुद्र के अंदर घिरा हुआ है, और इनके क्यूबा के अंदर लावाकृत मिट्टी है। ये जो लावाकृत मिट्टी है क्यूबा की और समुद्री तटीय जलवायु है, इनकी वजह से क्यूबा के गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा अधिक आती है, सुक्रोज की मात्रा अधिक आती है, और क्यूबा अधिकांश यानी गन्ने जितना उत्पादन करता है उसे चीनी बनाकर निर्यात कर देता है। तो विश्व में सर्वाधिक चीनी निर्यातक देश है वो भी यानी क्यूबा है। अपनी जितनी गन्ने का उत्पादन होता है उसका चीनी बना करके निर्यात कर देता है, और उच्च क्वालिटी का गन्ने का उत्पादन होता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पाई जाने वाली लावाकृत मिट्टी और इसके अलावा वहाँ जो समुद्र तटीय जलवायु है वो इस गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूलन होता है, मददगार होता है, इससे उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा आती है। भारत में गन्ने का उत्पादन तो होता है, बड़े लेवल तक होता है, विश्व के अंदर सर्वाधिक होता है, लेकिन इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती है। यानी 100 किलो गन्ने से भारत के अंदर 11 से 12 किलो चीनी बनाई जा सकती है। भारतीय गन्ने से 100 किलो गीले गन्ने से कितनी चीनी बनती है? 11 से 12 किलो। जबकि क्यूबा का 100 किलो गन्ने से 15 से 16 किलो चीनी बनती है, 15 से 16 किलो चीनी बनती है। यानी क्यूबा देश के अंदर उत्पादित होने वाला जो गन्ना है, जैसे ब्राज़ील है, क्यूबा है, इन देशों के अंदर सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है और चीनी का उत्पादन भी अधिक होता है। तो भारत में यदि उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन है, गन्ने का उत्पादन भारत के अंदर सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने में यानी प्रथम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और इसके अलावा यानी उत्तर प्रदेश का जो दो क्षेत्र है, एक तराई क्षेत्र है और एक दो आब का क्षेत्र। तराई क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र के अंदर गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा दो आब का, गंगा यमुना का दो आब का क्षेत्र है जो मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक यानी कि एक गन्ने उत्पादन की पेटी है जो गंगा यमुना दो आब क्षेत्र में स्थित है, और इसमें मेरठ के गन्ने के अंदर मिठास की मात्रा ज़्यादा होती है। सर्वाधिक मिठास है वो सर्वाधिक मेरठ के गन्ने के अंदर होता है। तो उत्तर भारत के अंदर क्या है कि जलवायु थोड़ी प्रतिकूल है, शुष्क है, फिर भी उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान, बिहार का भाग है, ये मिलकर के कितना प्रतिशत गन्ने का? 40% गन्ने का उत्पादन करते हैं, 40% गन्ने का उत्पादन करते हैं। जबकि दक्षिणी भारत के अंदर जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो महाराष्ट्र के गन्ने के अंदर मिठास की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ का जो समुद्री तटीय जलवायु है मिठास अधिक होता है, या यूँ कहें कि सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। सबसे उच्च क्वालिटी वाला जो गन्ना उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का नासिक है, अहमदनगर, शोलापुर, ये जो एरिया हैं इसमें गन्ने का उत्पादन है वो अधिक होता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी गन्ने का यानी कि उत्पादन होता है, और तमिलनाडु में भी गन्ने का उत्पादन होता है, आंध्रा में भी यानी गन्ने का उत्पादन होता है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तीनों स्टेट्स मिलकर के लगभग
73% 73% गन्ने का उत्पादन करते हैं। 73% गन्ने का उत्पादन केवल यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तराई और दोआब का क्षेत्र है जो गंगा यमुना का दोआब है, मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक है। और इसके अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर नाशिक, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, इनके अंदर यानी कि गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो तीनों स्टेट्स मिल करके लगभग 73% गन्ने का उत्पादन करता है। तमिलनाडु के अंदर क्या है, उच्च क्वालिटी का गन्ना उत्पन्न होता है क्योंकि यह समुद्री तटीय जलवायु है, वो गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूलन दशाएं पैदा करता है और इसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। और तमिलनाडु का यानी का जो क्षेत्र है जैसे मदुरई है, कोयम्बतूर है, जहाँ राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। इसके अलावा अन्य राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात है, गुजरात का काठियावाड़ और दक्षिणी पश्चिमी और मध्य गुजरात क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ने का उत्पन्न होता है। पंजाब, हरियाणा और कुछ एक राजस्थान के अंदर भी गन्ने का उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भारत करता है। लेकिन भारतीय गन्ने से चीनी कम निकलती है, 100 किलो गन्ने से 10-12 किलो ही चीनी निकलती है। और चीनी उत्पादन में भारत चीनी उत्पादन में भारत है वो यानी कि ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक कौन है, ब्राज़ील, फिर कौन है, भारत है। यानी सर्वाधिक चीनी का उत्पादन विश्व में कौन करता है, ब्राज़ील करता है, फिर भारत करता है। और निर्यातक देशों के अंदर देते हैं तो सर्वाधिक चीनी का निर्यात कौन करता है, क्यूबा। क्यूबा दुनिया का सबसे ज़्यादा चीनी निर्यातक है। इसके अलावा थाईलैंड। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है लेकिन यहाँ चीनी के उपभोक्ता ज़्यादा है, इसीलिए सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भी है, तो निर्यात भारत ना नहीं करता है। उल्टे जरूरत पड़ने पर थाईलैंड से चीनी है वो आयात करनी पड़ती है, ब्राज़ील से आयात करनी पड़ती है। ब्राज़ील के अंदर भी गन्ने का उत्पादन होता है और चीनी का भी उत्पादन होता है। चीनी सर्वाधिक विश्व के अंदर लगभग गन्ने से बनाई जाती है। इसके अलावा किससे बनाई जाती है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। भारत में लगभग चुकंदर से चीनी बनाने की प्रणाली नहीं के बराबर है, लेकिन यूरोपीय जो देश हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये जो देश हैं, जर्मनी है, इन देशों के अंदर चीनी है वो चुकंदर से बनाई जाती है। लेकिन चुकंदर से चीनी बनाई जाती है उसमें सुक्रोज की मात्रा तो अधिक होती है, सुक्रोज की मात्रा अधिक होने के साथ साथ इसका जो उत्पादन लागत है वो अधिक आती है। गन्ने की अपेक्षा चुकंदर से बनने वाली जो चीनी है उसमें उत्पादन लागत है वो अधिक आती है। तो भारत के अंदर यानी कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है इनमें समुद्री जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए जो अनुकूलन होता है, जहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन भी अधिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है। और इस फिर भी यानी कि उत्तर भारत के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के बाद 60% गन्ना है वो उत्तर भारत से प्राप्त होता है। और भारत में उत्पादित जो गन्ना है उसमें 40% गुड़ और 50% चीनी बनाने में प्रयुक्त होता है। 40% गुड़ और चीनी बनाने के तौर पर यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर दो जो क्षेत्र बताए हैं जो गन्ने उत्पादन में प्रथम है, और इसमें एक तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के अंदर रामपुर से बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी, मुरादाबाद, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर होते हुए बिहार के चंपारण तक विस्तृत है। जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, और ये बिहार के यानी रामपुर बरेली से लेकर के
बिहार के चंपारण जिले तक यानी विस्तृत है। दो आबकारी क्षेत्र जो गंगा यमुना का दो आबकारी क्षेत्र है जो मेरठ से प्रारंभ होकर इलाहाबाद तक विस्तृत है। और मेरठ का गन्ना उत्तम क्वालिटी का है, उच्च कोटि का है, जिसको यहाँ गुड़ बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। मेरठ का गुड़ है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जो लगभग 22.89% गन्ने का उत्पादन करता है। गोदावरी नदी की ऊपरी घाटी है वो गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी की ऊपरी घाटी है वो गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और अधिकांश गन्ने से यहाँ शक्कर बनाई जाती है। राज्य में शक्कर उत्पादन में, चीनी उत्पादन में यानी महाराष्ट्र है वो भारत में प्रथम है। तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक महाराष््ट्र में होता है। महाराष्ट्र में उच्च कोटि का गन्ना पैदा होता है, जहाँ अहमदनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर, रत्नागिरी जिलों में उत्पादित होता है। तमिलनाडु भी प्रति हेक्टर उत्पादन में देश में अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्यों में से हैं, क्योंकि यहाँ प्रति हेक्टर लगभग 113.41 टन गन्ने का उत्पादन होता है और ये कुल देश के उत्पादन में 10.38% है। कोयम्बतूर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी राष्ट्रीय तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे स्थित है, कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर है, कोयम्बतूर। तो कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। और तमिलनाडु में समुद्री तटीय जलवायु के कारण गन्ने का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन भी होता है और उच्च क्वालिटी का होता है। इस गन्ने के अंदर मिठास भी अधिक है, क्योंकि यहाँ समुद्री तटीय जलवायु पाई जाती है। कर्नाटक में भी गन्ने की कृषि नदी घाटियों के अंदर, कृष्णा नदी घाटी है, इन नदी घाटियों और तटीय प्रदेशों में उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल समुद्री जलवायु में अधिक उत्पादन होता है और निरंतर इस कर्नाटक में इन क्षेत्रों में गन्ने उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है। देश का लगभग 10-12% गन्ना है वो कर्नाटक उत्पादन करता है। कर्नाटक में बेलगांव, बेलारी, मांडवा, कोलार, मैसूर, तुमकुर, रायचूर आदि उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो गन्ने उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहाँ यानी पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिला, श्री काकुकुलम, विशाखापट्टनम और चित्तूर जिले हैं जो गन्ने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात भी देश का 13.17% गन्ने का उत्पादन करता है। गुजरात में सूरत, भावनगर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ आदि गन्ने उत्पादक जिले हैं। पंजाब में भी अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, गुरदासपुर आदि जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है। हरियाणा भी देश का 2.04% गन्ने का उत्पादन करता है। पंजाब की तरह यहाँ उपजाऊ मृदा और सिंचाई के संसाधन होने के कारण गन्ने का उत्पादन और प्रति हेक्टर उत्पादन में निरंतर वृद्धि भी हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने की कृषि कहाँ की जाती है, श्रीगंगानगर में, इसके बाद में बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर में की जाती है। अन्य जो उत्पादक राज्य है गन्ने के, जिसमें बिहार का तराई क्षेत्र है जहाँ चंपारण, गया, दरभंगा और सारण जिलों में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उड़ीसा के पुरी, कटक और अम्बलपुर जिलों में और मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। तो भारत में गन्ने का उत्पादन है वो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों के अंदर होता है। इसके बाद में भी भारतीय गन्ने के अंदर बहुत सारी जो समस्याएँ हैं, ये जो समस्याएं बनी हुई है कि भारत के गन्ने के अंदर
आज भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और गन्ने उत्पादन की जो समस्याएं हैं उनमें पहली समस्या ये है कि गन्ने के लिए आदर्श दशाएं भारत के दक्षिणी भारत में सागरीय तटीय क्षेत्रों में मिलती है, किंतु अब भी इनका उत्पादन उत्तर भारत में ही होता है, ज़्यादातर भारत में, यानी कि 60% गन्ना का होता है उत्तर भारत में होता है, लेकिन अनुकूलन दशाएं दक्षिण भारत में हैं। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार, हाँ, पहाड़ी क्षेत्र होना, इंडस्ट्रीज क्षेत्र होना, ये ऐसे कारण हैं जिससे गन्ने की कृषि कम होती है। और जहाँ शुष्क उत्तर भारत में शुष्क और लंबी जलवायु होने के कारण गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है वो कम होती है। ये उत्तर भारत में पैदा होने वाले गन्ने की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहाँ का जलवायु है वो शुष्क है, लंबे समय तक शुष्क जलवायु रहता है और गन्ने में मिठास कम आता है, जबकि दक्षिणी भारत के अंदर प्रायद्वीपीय भाग है, समुद्री तटीय जलवायु है, वहाँ गन्ने की कृषि करने पर गन्ने के अंदर मिठास या सुक्रोज की मात्रा अधिक आती है। नेक्स्ट समस्या ये है गन्ने के अंदर कि उन्नत तकनीकी को यथोचित उपयोग नहीं हो पाता है, वे विभिन्न तकनीकी के माध्यम से इसका उपयोग नहीं होता है। जैसे जो क्यूबा का गन्ना है उसको एक बार लगाने के बाद में 4 से 6 वर्ष तक फसल ली जाती है। क्यूबा के गन्ने से एक बार लगाने के बाद 4 से 6 वर्ष तक कृषि यानी फसल ली जाती है, जबकि भारतीय गन्ने से 2 से 4 वर्ष तक यानी कि फसल ली जाती है, एक बार लगाने बाद 2 से 4 वर्ष तक ही फसल ली जाती है। तो एक जो तकनीकी का है वो भारत में अभाव है, किसानों को समय पर फसल का मूल्य और भुगतान नहीं होता है, मौसमी मार भी पड़ती रहती है और गन्ने की फसल का उचित मूल्य निर्धारण न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान समय के अंदर गन्ने के उत्पादन की। जी की जो गन्ने उत्पादन किसान हैं गन्ना उत्पादन किसान हैं, और दूसरे हैं मिल मालिक है, जो अधिकतर निजी मिलें हैं भारत के अंदर। सर्वाधिक चीनी मिलें हैं जैसे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। तो किसानों और मिल मालिकों के बीच में सामंजस्य का अभाव है, इनके बीच में सामंजस्य का अभाव है, जिसकी वजह से किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और एक गन्ना एक ऐसी फसल है कि ये भार हास वाली फसल है, यानी गन्ने की खेत से मिल तक, ये जो क्राइटेरिया है इसमें 24 घंटे तक पिराई मिल तक गन्ना पहुंचना चाहिए, वरना इसका वजन घट जाता है, जिसका नुकसान मिल मालिक को भी रहता है और किसानों को भी रहता है। मिल मालिक इसका वजन घटने के चक्कर में इनका उचित मूल्य देकर के खरीद नहीं पाते हैं, तो किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। गन्ने के किसानों और चीनी मिल मालिकों के बीच में जो एक संबंध है, अंतर संबंध है, इन अंतर संबंध का बहुत अभाव है, को रिलेशन का अभाव है, और इनकी सामंजस्य के अभाव के कारण किसानों और मिल मालिकों के बीच में जो गन्ने का उचित मूल्य से उद्योग का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आए दिन किसानों की समस्या रहती है कि उनको गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, और सरकार ने इसके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है जिससे किसानों और मिल मालिकों के बीच में एक सामंजस्य रहे, एक नीति के तहत, एक नियमों और रूल्स के तहत कार्य करें, ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से आए दिन यानी कि आंदोलन होते हैं। और हमेशा भारतीय किसानों की गन्ने के किसान हैं उनकी समस्या रहती है कि उनका गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलता है, इसीलिए भारत में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, किसान गन्ने की कृषि करने में रुचि बहुत कम लेता है क्योंकि उसमें उत्पादन लागत कम आती है और उचित मूल्य जो विक्रय मूल्य है उचित मूल्य वो बेचने पर बहुत कम आते हैं। परिवहन की वगैरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए जो किसानों को गन्ने के उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और भारत के लिए जो चीनी उत्पादक उद्योग है
उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या भी रहती है, क्योंकि उनको कच्चा माल जो समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि चीनी उद्योग है, उसका कच्चा माल गन्ना है और वो गन्ना समय पर यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जिससे भारत में चीनी उद्योग भी प्रभावित होता है।